पोलियो की दो बूंद दवा की बदौलत देश से अब पोलियो खत्म हो गया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की औपचारिक मान्यता अभी बाकी है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अथक प्रयास से ये संभव हो पाया है और इस दिशा में मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। एक महीने से बच्चे से लेके 5 साल तक बच्चे तक हम लोग को पोलियो पिलाए और जो बचे हुए बच्चे हैं तो उनके घर घर में जाके पोलियो पिलाए। तो पोलियो की दो बूंद ही जीवन की रक्षा है। पोलियो बच्चन को पिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार द्वारा किए जा रहे इस प्रयास को खासी सराहना भी मिल रही है। अपने व्यस्त समय से कुछ वक्त निकालकर लोग अपने बच्चों को पोलियो रविवार के दिन बूथों पर ले जाकर पोलियो ड्रॉप पिला रहे हैं। इसलिए पोलियो डे होता है। जब से पोलियो का प्रोग्राम शुरू हुआ है या इसमें जब से मैं जुड़ी हुई हूँ तब से मैंने ये देखा हमारे एटलीस्ट दिल्ली की जो स्टेट दिल्ली न्यू दिल्ली के स्टेट में पोलियो कोई केसेस आए नहीं। इसलिए क्योंकि पोलियो के बारे में जो एक एक चीज का जो पता लगता है कि दो बूंद पिलाने के बाद बच्चे का अपाहिज नहीं होता पैर हाथ या बॉडी के किसी अंग, तो उसे क्या होता है हर माँ बाप को हम लोग जब एंटीनेटल चेकअप के लिए आते हैं उसी टाइम हम माँ को मोटिवेट करते रहते हैं। अगर किसी कारणवश लोग अपने बच्चों को पोलियो बूथ तक नहीं ले जा पाते हैं तो स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं ताकि कोई बच्चा छूट न जाए, जिसके कारण आज भारत में पोलियो खात्मे की ओर है और पिछले 3 साल से कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए भारत को पोलियो के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी जो इतनी आसान नहीं रही। 90 के दशक की शुरुआत तक देश में पोलियो के सालाना 2 लाख मामले सामने आते थे, जिससे चिंतित भारत सरकार ने 1995 में देश भर में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके तहत 5 साल तक के बच्चों को घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाने का विशेष अभियान चलाया गया। हर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर 17 करोड़ से भी अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इस अभियान में राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल और इससे जुड़े करीब 23 लाख स्वयंसेवकों को शामिल किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि 2009 आते आते भारत में पोलियो के मामलों की संख्या घटकर 741 और 2010 तक महज 42 रह गई। 3 साल में भले ही कोई मामला सामने न आया हो लेकिन ये राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान आगे भी जारी रहेगा जब तक वैश्विक पोलियो उन्मूलन हकीकत में तब्दील न हो जाए। नितेंद्र सिंह के साथ कुमार अनिल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।